कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हंडी उत्सव की धूम है। जगह जगह गोविंदा पथक मानव पिरामिड बना रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भी दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि गोविंदा पथक किस प्रकार से मानव पिरामिड बनाकर दही हंडी यानी मटकी फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव देवी माता गोविंदा पथक को आप देखिए, जो पीले रंग के कपड़े में है, ये पूरी टीम है जो मटकी फोड़ने का प्रयास कर रही है, मानव पिरामिड बना रही है। देखिए किस प्रकार से मानव पिरामिड बनाने के लिए ये सबसे पहले जो गोविंदा है वो नीचे बुनियाद बहुत मजबूत बनाते हैं और उसके बाद पहला स्तर, फिर दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, इस प्रकार से जितनी टीम की क्षमता होती है, तैयारी होती है, उस अनुसार गोविंदा पथक पिरामिड बनाते हैं। देखिए देखते देखते चार स्तर तक का मानव पिरामिड बना लिया है। ये युवक जो है वो पांचवें स्तर तक चढ़ गया है। जो सबसे हल्का और छोटे वजन का बच्चा होता है, गोविंदा होता है, वो मानव पिरामिड के सबसे ऊपर तक जाता है और वहां से सलामी देता है। देखिए छोटे बच्चे को ऊपर पहुंच कर इसने सलामी दिया हुआ है, माथे पर हेलमेट पहना हुआ है और सलामी देने के बाद अब देखिए कितनी सावधानी से यह जो गोविंदा है वो धीरे धीरे मानव पिरामिड से उतरते हैं ताकि किसी प्रकार से कोई हादसा ना हो। कई बार ये मानव पिरामिड गिर जाते हैं और चोट लग जाती है, लेकिन सफलतापूर्वक 6 से 7 स्तर का मानव पिरामिड बनाने के बाद गोविंदा सलामी देते हैं। और देखिए सलामी देने के बाद ये गोविंदा पथक ने अपनी जो सलामी है वो पूरी कर ली है और अब ये इस ढोल ताशे पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। इसी प्रकार से मानव पिरामिड बनाने का सिलसिला दिन भर चलते रहता है। हर गोविंदा पथक का प्रयास होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई का मानव पिरामिड बनाए। 7 स्तर, 8 स्तर, 9 स्तर तक का मानव पिरामिड बनाने का प्रयास गोविंदा पथक करते हैं। और देखिए जस्ट मना रहे हैं गोविंदा पथक, जिन्होंने मटके तक पहुंचने का प्रयास किया, 7 स्तर तक मानव पिरामिड बनाया, सलामी दी और अब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे मुंबई भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में दही हंडी उत्सव जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ प्रत्युंजय सिंह, ABP News, मुंबई।